Dear student, today we will discuss stepped up chopper. As we know, what is a chopper? Chopper is used for converting constant DC voltage into variable DC voltage. For the step up chopper, when this variable DC voltage output E0 is greater than EDC, the supply voltage, then it is step up chopper. Means output voltage जब input voltage से ज्यादा होगा तब ये step up chopper होगा. Now see this circuit. इस circuit को देखिए, इसमें हमने input पर EDC एक battery इस्तेमाल कर सकते हैं, constant voltage source इस्तेमाल कर सकते हैं. EDC लिया है, एक inductor लिया है, एक डायोड लिया है, लोड है और साथ में ये स्विच S मींस चॉपर है. इस चॉपर की जगह पे आप SCR इस्तेमाल कर सकते हैं, JTO इस्तेमाल कर सकते हैं, MCT इस्तेमाल कर सकते हैं, BJT इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस चॉपर में इस्तेमाल होता है. अगर हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए हमको लेना है तो हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए हम लोग ज्यादातर SCR को इस्तेमाल करते हैं. इन जब ये चॉपर स्टेप अप चॉपर के सर्किट को देखें, जब हमारा स्विच S ऑन है, स्विच ऑन होने का मतलब ये शॉर्ट हो गया तो करंट कहां से फ्लो करेगी? सोर्स, इंडक्टर और चॉपर के थ्रू. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से हो जाएगा, इसमें हमारा इंडक्टर चार्ज हो जाएगा. जब इंडक्टर चार्ज हो जाएगा तब अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, अब लोड को सप्लाई देने के लिए दो सोर्स हो गए, एक डीसी सोर्स हमारा है ईडीसी और इंडक्टर ईएल. तो ई नॉट जो हमको मिलेगा, ई नॉट इज इक्वल टू ईडीसी प्लस ईएल. ईएल का मान होगा LdIdt के बराबर. ड्यूरिंग द टाइम टी ऑन द एनर्जी इनपुट टू द इंडक्टर फ्रॉम सोर्स इज गिवन बाय, अगर जब सोर्स जब हमारा चॉपर ऑन है उस समय सप्लाई कहां से मिली? सोर्स ने जो सप्लाई दी वो कहां पर गई? इंडक्टर में. उसका मान होगा WI इज इक्वल टू EDC सप्लाई करंट इंटू ऑन टाइम. तो EDC IS इंटू टी ऑन, ये सप्लाई इंडक्टर में जो आ गई, इंडक्टर की सप्लाई और जो ईडीसी की सप्लाई है, ये दोनों सप्लाई मिलके जब हम चॉपर को ऑफ कर देते हैं तो लोड को दी गई. तो इसमें से इंडक्टर ने जो सप्लाई दी ड्यूरिंग द टर्न ऑफ, एनर्जी रिलीज बाय द इंडक्टर इज इक्वल टू W0 इज इक्वल टू E0, ये वोल्टेज माइनस ईडीसी इज इक्वल टू EL. अगर मैं यहां पे देख लें, अगर इसकी बात कर लें तो EL इज इक्वल टू हो जाएगा E0 माइनस EDC. तो जो सप्लाई हमारी गई, जो इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ है, W0 इज इक्वल टू E0 माइनस EDC मल्टीप्लाइड बाई IS इंटू टी ऑफ. जितना इंडक्टर चार्ज हुआ उतना ही डिस्चार्ज हुआ. अगर हमारे सर्किट के अंदर कोई डिस्चार्जिंग कंपोनेंट नहीं है तो इनपुट जो इंडक्टर को मिला और जो लोड पर सप्लाई हुआ दोनों बराबर होंगे. इस कंडीशन में WI इज इक्वल टू W0 EDC मल्टीप्लाइड बाई IS इंटू टी ऑन इज इक्वल टू E0 माइनस EDC मल्टीप्लाइड बाई IS इंटू टी ऑन. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा E0 इज इक्वल टू EDC टी ऑन प्लस टी ऑफ डिवाइड बाई टी ऑफ. यहां पर टी ऑन प्लस टी ऑफ को अगर सम करते हैं तो ये टी के बराबर होगा. तो E0 इज इक्वल टू EDC टी डिवाइड बाई टी माइनस टी ऑन. अगर हम ऊपर नीचे टी से भाग दे दें, टी से डिवाइड कर दें, तो E0 इज इक्वल टू EDC 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टी ऑन डिवाइड बाई टी. टी ऑन डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू अल्फा होता है, अल्फा इज ड्यूटी साइकिल. टी ऑन डिवाइड बाई टी ये अल्फा के बराबर होता है. तो EDC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस
अल्फा, अल्फा इज अ ड्यूटी साइकिल, अगर यहां पर अल्फा का मान जीरो ले लिया जाए तो ई नॉट ईडीसी के बराबर हो जाएगा, और अल्फा का मान अगर इनफाइनाइट ले लें तो ई नॉट का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब आउटपुट हमेशा इनपुट से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब यह स्टेप अप चॉपर हो गया। फॉर अल्फा इज इक्वल टू जीरो टू वन, ई नॉट का मान आएगा ईडीसी से लेके इनफाइनाइट। दिस इज द कंप्लीट अबाउट द स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर इज यूज इन द इंडस्ट्री फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन द डीसी मोटर। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप अप चॉपर। थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है विजय 2005 df@gmail.com।